खबर धार जिले के धर्मपुरी से ले रहे हैं, जहां जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुंदरेल में नारी सशक्तिकरण को जन प्रतिनिधियों ने अपनी मनमानी का धता दिखाते हुए महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हुए खुद उनके पतियों ने ही पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। मामला यहीं नहीं रुका, जहां प्रशासन के नियुक्त प्रभारी अधिकारी को शपथ दिलानी थी, वहां नियमों को धता बताते हुए गांव के वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम ने ही शपथ दिला डाली। शपथ समारोह का वीडियो वायरल होने के बाद अब मामला तूल पकड़ रहा है। वहीं प्रशासन के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं और पल्ला झाड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जफर अली जुड़े हुए हैं। जफर, जहां एक तरफ चुनाव होता है, महिलाओं को निर्वाचित करती है जनता और शपथ पति ले लेते हैं, ये आखिर कैसे संभव है और इसे लेकर अब अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि 3 तारीख को जो शपथ समारोह का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें से कि जो सुंदरेल पंचायत का जो वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो वायरल होने के बाद में वहीं के जो दूसरे पक्ष के जो पंच थे वो जनप्रतिनिधियों के साथ आज धर्मपुरी जनपद पंचायत पहुंचे थे। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्रवाई और जांच का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जो नाम है जहाँ राधाबाई की जगह उनके पति लखन सिंह ने शपथ ली है, इसके अलावा हम बात करें लक्ष्मीबाई की, उनकी जगह उनके जो पति हैं दिलीप सिंह, तो वार्ड 5 से जो पंच निर्वाचित हुई किरण बाई, उनकी जगह उनके पति जो जीवन है उन्होंने शपथ ले ली, क्या इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि चुनाव क्या होता है? और आखिर अगर ऐसी स्थिति थी कि उन्हें ही जनप्रतिनिधि बनाया था, अगर जीवन और लखन को ही जनप्रतिनिधि बनाना था या दिलीप को ही चुनाव जीतना था, तो वो चुनाव मैदान में होते, ऐसे में अगर उनकी पत्नियों ने चुनाव लड़ा है तो क्या उन्हें ये जो त्रिस्तरीय पंचायत के जो नियम है उनकी तक जानकारी नहीं है कि पत्नी के जीतने पर पति शपथ नहीं ले सकता? जिसे निर्वाचित किया गया है, जिसे चुना गया शपथ उसको लेनी है। और दूसरी तरफ एक विषय ये भी कि जिन्हें शपथ दिलानी थी वो भी नदारद थे, शपथ भी कोई और दिला रहा था। आखिर ये जानकारी का अभाव कहें या मनमानी इसको कहा जा सकता है? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि ये एक मनमानी और दबंगई के चलते ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। वहाँ के जो सचिव है, जो उस पंचायत के अधिकारी हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि हमने बोले सभी नियम भी बताए थे, लेकिन वहाँ पर हमारी सुनी नहीं गई है, वहाँ हरधर्मिता चली। और एक बात और है सर, कि जिन वार्डो से ये महिला पंच चुनकर आई है वहाँ पर आदिवासी महिला आरक्षित थी, उसके बाद ये निर्वाचित हो गई है। लेकिन इन तीनों महिलाओं को जो आदिवासी पंच है, इनको पंचायत तक भी इनके पतियों के द्वारा आने नहीं दिया गया और वो खुद पतियों ने शपथ ली है। बिल्कुल, ऐसे हालात देखे भी हैं और कई बार जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस पर चिंता भी जताई है कि अगर महिलाओं को निर्वाचित किया जाता है तो उन्हें बैठना चाहिए, उन्हें कामकाज देखना चाहिए और शायद महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को सरकार में, प्रशासन में, सिस्टम में भागीदारी के लिए एक कदम उठाया गया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता नहीं है, उसे भी केवल एक ये कहा जाए कि केवल कठपुतली ही महिला को समझ लिया है। उसे अगर जनता निर्वाचित भी कर देती है, पहली बात तो अगर हम ये कहें कि अगर घर से नहीं निकलने देना है, अगर सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने देना है, अगर ग्राम सरकार नहीं चलाने देनी है, तो फिर उन्हें चुनाव मैदान में उतारने की आवश्यकता कहाँ थी? और अब चुनाव मैदान में उतार दिया है, उन्हें जनता ने चुन लिया है, तो भी पति को शपथ ले लेनी है। तो अब तक ये दृश्य तो बहुत जगह देखे थे कि नगर पालिका अध्यक्ष अगर मैडम है तो साहब बाजू में कुर्सी डाल के बैठ जाते थे, बाजू में कुर्सी डालना भी उचित तो नहीं था। लेकिन अब यहाँ तो हालात ये हो गए कि चुनाव महिला जीतती है और शपथ पुरुष ले लेता है, यानी पत्नी को चुनाव जिताया जनता ने और पति शपथ ले रहा है। ये अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद अब केवल पल्ला झाड़ते ही नजर आ रहे हैं या वाकई में इस पूरे प्रकरण को बड़ी गंभीरता से सिस्टम ने लिया है?
जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा सर कि ये जो तीनों महिला थी, इनको जो इनके पति थे, इन्होंने सिर्फ चुनाव तक के सीमित रखा। दूसरी बात, जो अधिकारियों का जो मामला है, तो अधिकारी इस पर आज हमने भी उनसे जब बात की तो उनका कहना था कि हमारे मामला संज्ञान में नहीं है, आज आया है, जांच करेंगे। लेकिन जो वहाँ के सचिव हैं, जो एक ये बड़ी पंचायत है सुंदरेल पंचायत, जो है कि इस प्रदेश की बड़ी पंचायत है, तो वहाँ के जो सचिव है उनका कहना है कि हमने सभी अधिकारियों को इससे अवगत भी करवा दिया था, लेकिन आज जो अधिकारियों के जवाब थे वो ये थे कि हमको इसकी जानकारी नहीं, आज जानकारी मिली, आज ज्ञापन प्राप्त हुआ, हम इस पर जांच करवाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। और सचिव का कहना है कि वो इस मामले को लेकर पहले अधिकारियों को सब जानकारी दे चुके हैं, जी ये जी इसके बावजूद भी अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। जी जी बहुत ये कहा जाए कि बड़ा ही अजीब सा घटनाक्रम है, रोचक तो नहीं कह सकते इसको, दुखद ही कह सकते हैं कि महिलाओं को जहां सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरा सिस्टम तमाम दावे कर रहा है, तमाम प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हालात ये होते हैं कि चुनाव महिला जीतती है और शपथ उनके पति ले लेते हैं। ये बहुत अलग तरह का घटनाक्रम है। दूसरी तरफ यहाँ जफर सवाल ये भी है कि वो जो महाशय शपथ दिलाने पहुंच गए थे, जी उन्हें किसने अधिकृत कर दिया शपथ दिलाने के लिए? बिल्कुल सर, ये भी अभी स्पष्ट वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता नहीं पाए हैं कि जो प्रभारी जो नियुक्त किया गया था वो नदारद थे या फिर वो वहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद में जो वहाँ के जो नेता जी हैं उन्होंने शपथ दिलाई है इनको, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल, इस जो मामले को भी जो अधिकारी हैं वो गंभीरता से ले रहे हैं, या फिर अगर वो दबंग नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े दल के नेता हैं, तो उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए कि शपथ वो दिलाना चाहे तो दिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है? इस पर भी जांच की बात कर रहे हैं सर, अब देखना है आगे की कार्रवाई होती है या फिर इसी तरीके से लोकतंत्र का जो है खिलवाड़ किया जाता है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जाता है या वाकई में कोई कार्रवाई होती है ये आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन फिलहाल तो स्थिति ये है कि जो महिलाएं चुनाव जीत कर आई उनके पतियों ने शपथ ली, और जिन्हें शपथ ग्रहण के लिए प्रभारी बनाया गया था, जिनके हाथ में जिम्मेदारी थी, उनकी जगह एक नेताजी ने शपथ दिला दी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश वर्मा है, मैं ग्राम बज्जा सुंदरेल तहसील धर्मपुरी जिला धार का निवासी हूं, और पिछले 15 वर्षों तक मैं ग्राम बज्जा सुंदरेल में उपसरपंच रहा, और पिछले 7 वर्षों से मेरे बड़े भाई उपसरपंच रहे हैं, वर्तमान में भी मेरे बड़े भाई अभी उपसरपंच निर्वाचित हुए हैं, और 3 तारीख को जो ग्राम पंचायत में शपथ विधि समारोह हुआ उसमें किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है ये देखने को मिला। ग्राम पंचायत सुंदरेल में निर्वाचित महिला पंचों की जगह उनके पतियों को शपथ दिलाई गई। हम लोग और हमारी सरकार और सारे लोग कहते हैं महिला शक्तिकरण, महिला शक्तिकरण, यह महिला शक्तिकरण का खुला मजाक है। अगर सरपंच पति है तो सरपंच महिला सरपंच है और उसके पति सरपंच पति हैं तो क्या वो पंचायत वो चलाएंगे? ऐसा नहीं होता। ग्राम पंचायत की महिलाएं जीत के आई है, उनको महत्व मिलना चाहिए, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको गांव के हित में बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। जो महिलाएं पंच हैं वो आदिवासी महिलाएं हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम आदिवासियों का उत्थान चाहते हैं, किस तरीके से ऐसा अगर होगा तो हम कैसे उत्थान कर पाएंगे, कैसे महिलाओं को आगे ला पाएंगे? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को महत्व मिले, उनको पुनः शपथ दिलाई जाए और उनको मान सम्मान दिया जाए, और जो हुआ और जो दोषी है उसको इसकी सजा मिलना चाहिए। शपथ दिलवाई वो किसके द्वारा दिलाई गई? यह शपथ एक गांव के निजी आदमी, वहां के लोकल के नेता हैं, उन्होंने शपथ दिलाई, जबकि शपथ दिलाने का काम एक गजेटेड ऑफिसर या उससे छोटे अधिकारी या ग्राम पंचायत का सचिव करता है, उसको करना चाहिए। लेकिन गांव के लोकल आदमी से, गांव के नेता से उन्होंने शपथ दिलाई, यह गलत है। मेरा नाम जगदीश हनोतिया, ग्राम पंचायत सुंदरेल वार्ड क्रमांक 14 से नव निर्वाचित पंच है। हमारे ग्राम पंचायत में 3 तारीख को जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ उसमें महिला पंच को शपथ लेना था, उन महिलाएं 3 थी और उनके पतियों ने शपथ ली। सचिव से पूछा गया कि भाई आपकी महिला पंच को शपथ दिलवाओ, तो बोले मेरे को नहीं मालूम कार्यक्रम किसने शेड्यूल करा है, क्या पता क्या नहीं करना। और ग्राम में शपथ दिलाने का कार्यक्रम सचिव करता है या कोई अधिकारी करता है, तो वहाँ का लोकल के ग्राम ग्राम लोकल का कैंडिडेट शपथ दिलवा रहा है। हाँ,
लोकल मतलब वहाँ का प्रॉपर का जो महिला पंच है उनको पूरे सदस्य समारोह से दूर रखा गया। हाँ उनको उनको बुलाया नहीं, वो आई नहीं, उनके पति आए, उनको पतियों को शपथ दिला दी। क्या नाम? हाँ जी एस दुबे। सर सुंदरेल में कैसा मामला सामने आया कि वहाँ पे पंच और उनकी जो शपथ दिलवाई थी वो स्थानीय नेता ने शपथ दिलवा दी और जो जनप्रतिनिधि महिलाएं जीत के आई थी उनके पति और पतियों ने वहाँ पे शपथ ली, तो ये जायज नियमानुसार है? नहीं नहीं नियमानुसार नहीं है, जो चुने गए सदस्य हैं उनको शपथ लेना है, मैं दिखवा लेता हूँ, उसकी जांच करवा लूँगा, जांच करवाना पड़ेगा मुझे, दिखवाना पड़ेगा। जब तक कोई खराब प्रस्ताव नहीं होता उसके पहले कर्मचारी 40 कर्मचारी वो सारी चीज़ें दिखवाना पड़ेगा, सारी पंचायतों के अधीन है, चीज़ें को देखना पड़ेगा, मैं जांच करवा लूँगा सभी चीज़ों की, जो चीज़ों में जो ज्ञापन दिया बिल्कुल कार्रवाई होगी, जहाँ से मैं कोई बचेगा कि यदि कोई जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी।